नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाइट कलर का चाप कटर है। ये बहुत ही हेवी क्वालिटी का है। इसकी आप साइज पे मत जाना, इसकी आप काम पे जाना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारा भी है और ये गन्ना भी है। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि सर हमें गन्ने की कटाई करके दिखाई कि गन्ने की कटाई किस प्रकार आती है। और अगर इस मशीन की बात की जाए तो इन सर ने मुझे पहले बताया कि 3 HP की मोटर 2800 RPM पे सभी चला रहे हैं जो इस प्रकार की चाप कटर ले। लेकिन हमने ये पर्सनली डिजाइन की हुई है, हमने खुद ने बनाई और ये 1440 RPM पे चला रहे हैं। तो इनसे पूरी इस चाप कटर की विशेषताएं आपको दिखाई जाएगी कि 1 घंटे के अंदर इसकी कैपेसिटी है, कौन कौन सा चारा काटती है और ये आपको किस प्रकार मिलेगी और ये आपके घर पर कितने दिनों तक पहुँच जाएगी। तो सर, सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। हमारी फर्म किसान शक्ति एग्रोटेक जयपुर विद्याधर नगर, इसके अंदर सभी लोग 3 HP का मोटर यूज कर रहे हैं। हमने 2 HP मोटर पे इसको चलाया है और इसके अंदर हेवी क्वालिटी की सारी चद्दर ब्लेड सब कुछ हेवी क्वालिटी की हमने यूज किया है। तो सर, आपने जैसा कि बताया कि सब हेवी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पहली बात तो किसान भाई को बता दूँ कि ये गियर वाली है। हाँ जी, हाँ। अगर इसकी बात की जाए तो कौन कौन सा चारा काट सकता है इसके अंदर? आप गीला चारा, सूखा चारा, गन्ना, सभी चीज़ें आप काट सकते हैं। सभी प्रकार का चारा कट जाएगा। अगर 1 घंटे की कैपेसिटी की बात की जाए तो 1 घंटे में कितना काट देता है? 1 घंटे के अंदर गीला चारा 700 से 800 किलो काटता है, सूखा चारा 400 से 500 किलो और गन्ना चारा 300 किलो तक काटता है। और अगर हम इसकी बात की जाए तो गन्ने की कटाई किस प्रकार रहती है? गन्ने की कटाई इसके अंदर आप सिंगल सिंगल या डबल डबल पीस करके देते जाओ, बिल्कुल बारीक काटता रहेगा। और आपको डेमो के माध्यम से भी दिखाया जाएगा कि गन्ने की कटाई किस प्रकार करती है। सर, अगर सबसे मुख्य काम रहता है चाप कटर मशीन को चलाने के लिए उसके ब्लेड, तो उसके ब्लेड मजबूत होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो आपने इनमें ब्लेडों का क्या ध्यान रखा है और इसकी ब्लेडों के बारे में किसान भाइयों को बताइए। सर, सब्सक्राइब करिए एग्रीटेक मास्टर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। ये स्प्रिंग के ब्लेड यूज किए हैं। सभी लोग जो ब्लेड यूज करते हैं वो लोहे की यूज करते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर देखो बिल्कुल स्प्रिंग के ब्लेड हेवी क्वालिटी के यूज किए हुए हैं। ये आप इसमें देख सकते हो, हमने चारा भी काटा हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के ब्लेड हमने यूज किए। सर, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपकी मशीन में 4 ब्लेड लगे हुए हैं। हाँ, तो इससे कटिंग में बारीक कटिंग होती है? हाँ सर, 4 ब्लेड इसके अंदर बिल्कुल बारीक चारा कटेगा और गियर से आप छोटा और बड़ा साइज भी कर सकते हो थोड़ा बहुत चारे का। तो सर, वो तो आपकी बात ठीक है कि छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ब्लेडें आपकी दोनों तरफ घिसी हुई है, तो इससे क्या दोनों तरफ से कटेगा या सिर्फ एक तरफ से कटेगा, इसके बारे में बताइए। ये सर हमने किसान भाइयों के लिए इसलिए किया है कि कम से कम ये ब्लेड 4-5 साल तक किसान भाई यूज कर सके। एक साइड से जब पूरा ब्लेड खत्म हो जाएगा तो दूसरी साइड से अपन यूज कर सकते हैं इस ब्लेड को। तो सर, अगर बात की जाए तो कितने समय बाद में ये ब्लेडें घिसेगी? अगर किसान भाई इससे नॉर्मल हरा चारा काटते हैं तो कम से कम 4 या 5 साल ये ब्लेड हमारी आराम से चलेगी सर। और सर, जैसा कि दोनों तरफ घिसी हुई है तो दोनों तरफ का बता रहे हो या सिर्फ एक तरफ का बता रहे हो आप? नहीं सर, दोनों तरफ तो कम से कम 5 या 6 साल आराम से चलेगा। 5-6 साल आराम से चलेगा। अगर हम इसकी बात किया है जो कितना केजी चारा काटने पर इसके धार वार घिसाई की जरूरत पड़ेगी ब्लेडों पर? हरे चारे में तो सर इसको जुड़ती नहीं है, खुद ही स्प्रिंग का ब्लेड है तो अपने आप धार लगती रहती है इसके अंदर। बाकी अगर सूखा चारा काटोगे तो इसके अंदर आपको जरूर धार लगानी पड़ेगी टाइम टाइम पे। तो सर, जैसा कि धार लगाने का भी हमने इसके अंदर देखो मशीन के अंदर ही दिया हुआ है, ये रहा धार लगाने के लिए। किसान भाइयों को यहीं पे आप धार लगा सकते हो मशीन के साथ। तो ये आपने यूनिक बनाया है इस बार मशीन को धार लगाने का सिस्टम देकर? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो अगर नॉर्मल ग्रेंडर लेता है किसान भाई धार लगाने का तो 3 से 4 हज़ार रुपये उसको खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसकी बात करें सेफ्टी फीचर्स में, आपने विशेष तौर पर किस बात का ध्यान रखा है? और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके जो ये रोलर है जो चारे को दाब अधिक लगाकर अच्छी कुटिंग करते हैं, तो इनके बारे में जानकारी दीजिए। ये देखिए सर, हमने बिल्कुल हेवी क्वालिटी के लोहे के जो रोलर हैं ये यूज़ किए हुए हैं और सेफ्टी के लिए हमने देखो ये यहाँ पे जो हॉपर है इसको इतना बढ़ाया हुआ है कि किसी का हाथ अंदर नहीं जाए, ये यहीं पे अपना चारा डाल के इधर ही रह जाए। तो किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप कोई सा भी चारा काटते हो आपको कोई भी जान मान की हानि नहीं होने वाली है। तो सर, इसके बारे में तो जानकारी हो गई। अगर हम मुख्य काम की बात, जैसा कि आपने बताया कि चारे की साइज ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और आपकी मशीन के अंदर 3 गियर है, अगर हम बात करें तो 1st, 2nd, 3rd गियर में किस प्रकार मशीन चलेगी, किसान भाई चारे की साइज को कम ज़्यादा किस प्रकार करेगा, उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण किसान भाई को दीजिए। इसके अंदर सर ये देखो, ये हमने हाई गियर दिया हुआ है, इसके अंदर अगर आप हाई गियर में काटोगे तो चारा इसके अंदर छोटा कटेगा और ये बीच में न्यूट्रल है इसके अंदर, और इधर ये अपने लो गियर दिया हुआ है। तो किसान भाई आराम से इस गियर के माध्यम से चारे की कटिंग को
ज़्यादा कम कर सकता है। बिल्कुल। तो सर ये तो पूरी मशीन के बारे में जानकारी हो गई। जैसा कि आपकी मशीन के नीचे टायर लगे हुए हैं जिससे कि किसान भाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी रहेगी, तो इनके बारे में जानकारी दीजिए कि कौन से हैवी मटेरियल से बने हुए टायर लगाए आपने। देखो सर, हमने इसके अंदर दूसरे लोग लगाते हैं वो क्या, उसके अंदर एक बोल्टो वगैरह लगाना होता है, हमने इसके अंदर सीधी क्लिप दी हुई है। किसान भाई आराम से इसके अंदर टायर हैवी क्वालिटी के यूज़ किए हैं, आराम से मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सर जैसे कि आप बता रहे हो कि हमारी जो चाप कटर मशीन है वो 1440 आरपीएम पे चलती है, बहुत सारी मार्केट के अंदर चाप कटर मशीनें आती है जो 2800 आरपीएम 3 एचपी के साथ चलती है। अगर आपकी मशीन की बात की जाए तो इसके अंदर कौन से एचपी की मोटर है, सिंगल पेज से चलेगी या कौन सी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर हमने इसके अंदर 2 एचपी का मोटर यूज़ किया हुआ है 1440 आरपीएम, ये सभी किसान भाइयों को हर मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाता है। तो 3 एचपी का मोटर यूज़ करते हैं वो सभी जगह मिलता नहीं है, आप इसके अंदर देख लीजिए एक बार, ये 2 एचपी का मोटर हमने लगाया हुआ है। किसान भाइयों अब आपको गन्ना और चारा दोनों काट के दिखाया जाएगा, तो सर आप इसकी चारा कटिंग करिए और किसान भाइयों को इसकी साइज दिखाइए। तो सर जैसा कि हमने देखा आपकी मशीन गेला और गन्ने की कटाई भी बहुत आसानी के साथ और बहुत ही फुल स्पीड के अंदर कटाई परफेक्ट साइज आई, किसान भाइयों को आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो सर हमने अभी आपको चारा काट के दिखाया है, आप देख लीजिए साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो सर जैसा कि हमने आपकी मशीन की संपूर्ण जानकारी ले ली, किसान भाइयों को भी बेहद पसंद आई होगी। अगर कोई किसान भाई घर बैठे मंगवाना चाहता है तो उसकी क्या बुकिंग प्रोसेस रहेगी, कितने दिनों में माल घर पे पहुंचेगा? अभी किसान भाई अपनी इस मशीन को बुक करना चाहता है वो हमारी कंपनी के दिए हुए नंबर पे कॉल करके बुक कर सकता है इसको आराम से, और हम इसके लिए बुकिंग अमाउंट 2000 रुपये लेते हैं खाते में पहले, बाकी का पैसा जब अगले किसान भाई के पास मशीन पहुँच जाती है तो उसको पे करना होता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट का चार्ज की बात करें तो वो फ्री है? हाँ बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारा सारी ऑल इंडिया के अंदर फ्री है, आप कहीं पर भी मशीन मंगाओ घर बैठे किसान भाई, उनके लिए हमने जो भी है सर्विस चार्ज फ्री है। अगर बात की जाए तो 2000 रुपये में किसान भाई के घर पे मशीन पहुंच जाएगी और बाकी पेमेंट उनको बाद में करना। हाँ बिल्कुल। अगर सर इसको मशीन रही है अगर कुछ समय बाद में किसान भाई को इसके पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो किस प्रकार रहेगी? सर सभी इस मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी पार्ट्स हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे, जो भी किसान भाई हमारे को फ़ोन करके कॉल करके हमारे से पार्ट्स ले सकता है। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि सर द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और ये चाप कटर मशीन आपको किस प्रकार लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।